हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और मेरा नाम शशांक याग्निक है। हर रोज़ की तरह आप सबके साथ मैं जुड़ गया हूँ क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड जो भी कोई बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो सब लेकर के। और कुछ बड़ी बड़ी खबरें आई, IPL गवर्निंग काउंसिल एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जो पहली खबर है उसके साथ में। कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ, ज़बरदस्त मुकाबला एकदम रहा ये, और राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को 61 रनों से अपने नाम कर लिया। और इस मैच में राजस्थान की तरफ से जो पारी खेली गई, ताबड़तोड़ पारी खेली गई संजू सैमसन और देवदत्त पडिक्कल की तरफ से। अब संजू सैमसन का मैं आपको स्कोर बताऊं तो उन्होंने 55 रन बनाए मात्र 27 गेंदों में। ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने के लिए मिली, ज़बरदस्त शॉट्स उनकी तरफ से देखने के लिए मिले। और वहीं दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल ने भी 29 गेंदों में 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और इसके चलते जो राजस्थान का स्कोर था वो 210 रन तक गया, जिसके जवाब में फिर जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वो 149 रन ही बना पाई और इस मैच को राजस्थान ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया और एक बड़ी जीत के साथ इस IPL सीज़न का उन्होंने आगाज़ किया है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, तो जो दूसरी खबर है वो है आज के मैच से जुड़ी हुई। RCB और KKR के बीच में मैच है, एक तरफ होंगे 5 डुप्लेसिस, दूसरी तरफ होंगे श्रेयस अय्यर। 5 डुप्लेसिस RCB का जो आगाज़ हुआ है इस सीज़न का वो हार के साथ हुआ है, लेकिन जो KKR की टीम है उसने जीत के साथ में शुरुआत किया है इस सीज़न का। और अब देखते हैं KKR को दूसरी जीत मिलती है इस मैच में या फिर RCB इस मैच को जीत करके पहली जीत अपनी दर्ज करती है सीज़न की। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो जो तीसरी खबर है वो आई है IPL गवर्निंग काउंसिल से जुड़ी हुई। अब IPL गवर्निंग काउंसिल जो है वो एक बड़ा फैसला लेने के लिए जा रहा है और हो सकता है जल्दी ही ये फैसला हो जाए, क्योंकि IPL गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके एक मेंबर ने बताया कि जो प्लेयर्स IPL में ऑक्शन में पिक होने के बाद में ऑप्ट आउट कर लेते हैं, जैसे कि एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, खास तौर पर फॉरेन प्लेयर्स, उनके ऊपर IPL गवर्निंग काउंसिल एक बड़ा फैसला ले सकता है और बड़े फैसले के रूप में कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए उनको हो सकता है IPL से बैन कर दिया जाए। क्योंकि जब साथ में जो उन्होंने रीज़न दिया, उसका रीज़न ये है कि जो टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद बिडिंग करते हैं एक प्लेयर को लेकर के, और जो उनका रिसर्च रहता है, जो समय वो उस प्लेयर के पीछे देते हैं वो सब वेस्ट हो जाता है। प्लस जो एक टीम की प्लानिंग हो जाती है प्लेयर को परचेस करने के बाद में, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो ऐसे में इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ समय के लिए हो सकता है कि बैन कर दिया जाए। इस पर थोड़ी सी रिसर्च और बाकी है और उसके बाद ये फैसला सबको बताया जाएगा IPL गवर्निंग काउंसिल की तरफ से। तो एक ये बड़ी खबर है IPL को लेकर के। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो फिर KL राहुल ने आयुष बदोनी को प्रेज़ किया और आयुष बदोनी जो पारी खेली थी अपनी जो लखनऊ की तरफ से, वो ताबड़तोड़ पारी थी। और अगर मैं आपको उनका स्कोर बताऊं तो उन्होंने 41 गेंदों में 54 रन की जो पारी खेली थी, ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए थे और 4 उन्होंने चौके लगाए थे। अब इस पारी के बाद में KL राहुल ने उनकी तारीफ़ की और KL राहुल ने कहा कि वो हमारे लिए बेबी ABD हैं और जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा आकर्षक शॉट्स से, उनके अट्रैक्टिव शॉट्स से और ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने के लिए मिली थी और KL राहुल को उनकी बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब बात करते हैं आखिरी खबर की इस पूरे सेगमेंट की, तो वो खबर है विराट कोहली से जुड़ी हुई। अब विराट कोहली थोड़े से इमोशनल दिखाई दिए। विराट कोहली ने ABD विलियर्स को याद किया और जो उनका ABD विलियर्स का और RCB का जो एक तालमेल रहा है उसको याद करते हुए विराट कोहली ने बोला कि जो भी अभी सिचुएशन है, ABD विलियर्स हमारे साथ नहीं खेल रहे हैं, अगर RCB IPL जीतती है तो फिर ABD विलियर्स को याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे वो। और साथ साथ उन्होंने बताया कि ABD विलियर्स ने जब रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था तो उनको किस तरीके से सारी चीज़ें इन्फॉर्म की थी विराट कोहली को उन्होंने, और जब विराट कोहली ने अनुष्का को बताया था तो उनका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था ABD विलियर्स के डिसीजन को लेकर के। तो विराट कोहली ने एक बार फिर से ABD विलियर्स को याद किया और थोड़े से इमोशनल वो हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो भी कुछ आज की बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।